होगा। जैसे मान लीजिए 4+5 बराबर जो है कुछ भी लिख दिया जाए तो समीकरण होगा क्योंकि इसमें वेरिएबल, लेकिन अगर 1+4 बराबर अब लिख दे समीकरण हो तो वेरिएबल होना जरूरी है। तो क्या ऐसा किया जाए कि पता चले कि हाँ जो हम लोग लिख रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है। तो इक्वेशन लिखने में स्ट्रेट लाइन का इसमें नियम क्या रह रहा है, कौन सी कॉन्स्टेंट वाई कोऑर्डिनेट नियम है नहीं बदल रहा और एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है, तो जो बदलते जाता है वो नहीं दिया जाता, जो नियम है वही दिया जाता है। ठीक है, तो कौन सी नियम है, इसलिए एक अक्ष का समीकरण होगा वाई बराबर जीरो, वाई बराबर देखिए तो ध्यान से वाई बराबर जीरो कहने का अर्थ है कौन लाइन, स्ट्रेट लाइन एक्स अक्ष, एक स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन एक अक्ष का समीकरण हम क्या बोलेंगे वाई बराबर जीरो। क्यों ये लिया गया, y बराबर जीरो कहने का अर्थ है हुआ कि y कोऑर्डिनेट जीरो है, यानी कि आप कहाँ पर हैं, ये तो आप ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग पहला नंबर, आप नहीं लिखेंगे अभी, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस और क्या हुआ x अक्ष का कितना हुआ, उसी तरह अब इसमें देखिए इसमें कौन नियम रह रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट नियम है, वाई कोऑर्डिनेट तो बदलते जा रहा है, नहीं बदलते जा रहा है यानी कि आप धीरे धीरे वाई के अपवाद जा रहे हैं, नहीं पॉइंट चेंज होते जा रहा है तो, लेकिन कौन नहीं बदल रहा है, इसलिए वाई अक्ष का समीकरण क्या होगा, जो नहीं बदलता है वो लिया जाता है, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है हर जगह, दूसरा समीकरण होगा इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस बराबर एक्स बराबर जीरो, याद रखना बड़ी आसान है, एक अक्ष का समीकरण वाई बराबर वाई अक्ष का समीकरण, उतारिए उतारिए।